एक ओर सरकार के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को सरकार के विकास कार्यों की उपलब्धियां गिना रहे हैं, गांव की सड़कों की जर्जर हालत को देखकर लगता है कि गांव के विकास का कार्य सिर्फ कागजों में ही हुआ है। गांव की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। गांव की जर्जर नालियों का दूषित पानी सड़कों में भर जाता है, जिससे राहगीरों को निकलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की, लेकिन यहां कोई भी अधिकारी व ग्राम प्रधान संतोष जायसवाल इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह टालमटोली करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन सड़क व नालियां अभी जस की तस बनी हुई हैं। व ग्राम प्रधान संतोष जायसवाल व अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। आखिर कब हम लोगों को इन जर्जर नालियों व सड़कों से निजात मिलेगी? क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम कल्लू है। किस गाँव में रहते हैं आप? खरौटी में। क्या समस्या है आपके गाँव में? मेरे यहाँ 25 साल से खरंजा जो हम लोग निकलते हैं जी, उसके कोई मरम्मत नहीं की जाती है। अच्छा अच्छा, कौन प्रधान है आपके यहाँ? संतोष कुमार जायसवाल। अच्छा, इसकी शिकायत हुई आपने खरंजा की? शिकायत की, शिकायतें की गई हैं, मुझे सुनते ही नहीं। कहाँ पर की है? ब्लॉक में। अच्छा।